यशस्वी प्रधानमंत्री से मिले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। पीएम मोदी से मिलकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया निमंत्रण। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर जताई खूब खुशी। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस नेता की बात मान ली। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसी छवि वाले नेता जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। समय समय पर वो नरेंद्र मोदी सरकार के काम को भी सराहते हैं, साथ ही अपनी पार्टी के गलत कर्मों को भी हाईलाइट करने से हिचकते नहीं हैं। वो पार्टी की कमियों की बात भी खुलकर करते हैं और पीएम मोदी के कौशल को भी खूब सराहते हैं। अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने सीधे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ही कर ली। इस मुलाकात की तस्वीर को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का निमंत्रण अपने हाथों से उनसे मिलकर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और साधुवाद। कांग्रेस नेता के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, पूज्य आचार्य जी, इस पवित्र कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आगमन और उनके हाथों से शिलान्यास सुखद है। भगवान कल्की जी की कृपा सदैव इस राष्ट्र के जनमानस पर बनी रहे, आपको नमन। अपर्णा अग्रवाल नाम की यूजर ने इस पर लिखा, अब लगता है राज्यसभा की सीट मिल सकती है आपको, बस पैरों में गिरना बाकी है आपका। अवकुश नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस के राजमाता परिवार ने और कठपुतली ने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं, वो भी आएंगे या नहीं आचार्य जी। अनुराधा मिश्रा नाम की यूजर ने लिखा, आप दोनों को एक साथ देखकर खूब खुशी हुई आचार्य जी, ईश्वर करे ये दोस्ती और रिश्ता और मजबूत हो। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के पीएम मोदी से मिलने वाले पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम की इस पोस्ट पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका सहृदय से आभार आचार्य प्रमोद कृष्णम। इस मुलाकात की चर्चा सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। लोग वैसे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के कयास भी लगा रहे हैं। वैसे अगर ऐसा होता भी है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयानों के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। आचार्य प्रमोद पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने में विश्वास रखते हैं। कई मुद्दों को लेकर वो अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते देखे जाते हैं। चुनावों में कांग्रेस की हार पर भी तीखी टिप्पणी करने से चूकते नहीं है आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। राम के बिना ना तो भारत की कल्पना की जा सकती है और ना जीवन की कल्पना की जा सकती है। राम का विरोध पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता कोई, तो राम का विरोध हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है। मैं पूरे भारत को इस राम राज्य की पुनर्स्थापना की बधाई देना चाहता हूं। और राम सबके हैं, सब राम के, इसलिए राम को किसी एक राज्य, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम सबके हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो 22 जनवरी को घर घर दीप जलें, खुशियां मिठाई बटें, ढोल नगाड़े बजें, राम धुन गली गली में हो, राम भजन हो, संकीर्तन हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी कर ली है, लेकिन इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस से निष्कासित होने की खबर भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। आधिकारिक तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस लेटर को कई लोग साझा कर रहे हैं। इस लेटर में लिखा है, ऑनरेबल चेयरमैन सीवीसी राव साहब हैज सस्पेंडेड आचार्य प्रमोद कृष्णम विद इमीडिएट इफेक्ट। तत्काल प्रभाव से आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन की बात सोशल मीडिया पर आग की
तरह फैल चुकी है, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा। वैसे आप आचार्य प्रमोद कृष्णम के पीएम मोदी से मुलाकात को कैसे देखते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को बीजेपी में चले जाने की सलाह देना चाहते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।